हेलो गाइस, तौहीद मुस्तफ़ा ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज का ब्लॉग है, आपको जिला निबंधन लेके जाऊंगा, जो कंप्यूटर वगैरह सिखाया जाता है और जो स्टूडेंट लोग को सब कुछ मिला जाता है, तो वहाँ वेरीफाई वगैरह होता है। तो अभी मैं हूँ गोंदापुर का फ्लाई ओवर के पास, जो कि इधर से है गोंदापुर का रास्ता और इस साइड हो गया साधना चौक। तो मैं जा रहा हूँ, मैं जाऊँगा जिला निबंधन आपको लेके बिहार शरीफ के रोड, जो कि इधर चला गया है। तो चलिए मैं आपको लेके जाता हूँ वहाँ। तो अभी मैं गोंदापुर से निकल चुका हूँ। ये देखिए गोंदापुर का 4 लेन का काम यहाँ तक अभी हुआ है और सामने जो दिख रहा है ये जीवनदीप स्कूल है और इससे आगे जो जा गए वो इससे आगे है बुधौल बस स्टैंड, उसी के बगल में लेफ्ट साइड हनुमान मंदिर है, उसी के बगल में आपको चला जाना है। तो ये देखिए बुधौल बस स्टैंड है, थोड़ा आगे जाने के बाद आपको लेफ्ट साइड में जाना है। तो चलिए दिखाता हूँ मैं आपको, और आपको बोर्ड वगैरह वहाँ पे है तो सब दिखाता हूँ मैं आपको। चलिए तो ये मंदिर है, बस यहीं पे आपको रुकना है गाड़ी या किसी चीज़ से भी आ रहे हैं। तो ये देखिए सद्भावना चौक इधर हो गया और इस साइड हो गया है बिहार पटना, और आपको जाना है लेफ्ट साइड में। तो चलिए आपको बोर्ड दिखाता हूँ। तो चलिए, तो ये रहा जिला परिवहन कार्यालय। तो ये कुंती नगर के साइड है, कुंती नगर क्या, कुंती नगर में ही है, इससे आगे है। तो चलिए आपको मैं दिखाता हूँ DRCC कहाँ पर है। इससे बस यही रोड में है और ये रोड में मॉडर्न स्कूल भी है। मॉडर्न स्कूल का रास्ता नारदीगंज तरफ से भी चला जाता है और इस साइड से भी चला जाता है। तो बहुत सारा प्रोजेक्ट वगैरह इस साइड बन रहा है, तो मैं आपको जूम इन करके मॉडर्न स्कूल दिखाता हूँ। तो ये देखिए मॉडर्न स्कूल है। तो चलिए आपको जिला निबंधन दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए बिल्डिंग वगैरह का काम हो रहा है। तो आपको पहले बोर्ड दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये देखिए बोर्ड है, बोर्ड के अंदर ही आप चला जाइएगा, आपको वहाँ दिख जाएगा। तो ये देखिए जिला निबंधन, तो यही रोड में है। मैं चलिए आपको दिखा देता हूँ, ये सब जो है ना बहुत बड़ा बड़ा बिल्डिंग वगैरह प्रोजेक्ट अभी बन ही रहा है। तो ये रहा जिला निबंधन, तो इसके अभी अंदर जाऊँगा मैं अभी। वहाँ बोर्ड वगैरह आपको दिखाया हूँ, जो वहाँ आने के बाद अंदर आइएगा, जो कि मैं वहाँ पार्किंग वगैरह है, जो कि गाड़ी लगा चुका हूँ वहाँ मैं पार्किंग में। और ये है बहुत काफ़ी बड़ा है और यहाँ आधार कार्ड वगैरह ही बनता है, बहुत ही अच्छा बड़ा है यार। तो चलो आज कहाँ आधार कार्ड वगैरह बनता है तो दिखाता हूँ मैं आपको। गार्डन है ये और बुधौल बस स्टैंड तो आपको वहाँ दिखा चुका हूँ, जो कि आप बुधौल बस स्टैंड से आप यहाँ आ सकते हो। तो यहाँ देखिए आधार कार्ड बनना चालू है DRCCC में, नवादा में बुधौल बस स्टैंड के पास, अंदर आपको आना है, पास में नहीं है। तो यहाँ देखिए यहाँ पर बैठिए, बैठने के बाद इसी यहाँ आधार कार्ड वगैरह बनता है, तो यहाँ आधार कार्ड बना सकते हो आप। और आपको मेन चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको अंदर जाकर, जो कि अभी ये दरवाज़ा बंद कर चुके हैं, अभी बंद है, खुला हुआ रहता है। ये बंद है सर दरवाज़ा, ये बंद है ऐसा इधर से। तो ये देखिए बहुत सारे सीट दम है अवेलेबल, बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। तो ये देखिए बहुत ज़्यादा ही बड़ा है। तो आपको अंदर का दिखाता हूँ मैं, यहीं जो सब कुछ होता है स्टूडेंट लोग को जो है ना कंप्यूटर वगैरह फार्म वगैरह जो भरते हैं आपको, तो यहीं है देखिए।
ये नंबर दिया हुआ है 21-20-19, यहीं आप भर सकते हो। यहाँ पर बैठिए और फैन वगैरह चालू रहता है, आपको टोकन मिलेगा। टोकन मिलने के बाद मैक से अलाउंस होगा, अलाउंस होने के बाद आपको बुलाया जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा है तो शेयर ज़रूर करें। अगर हमारे चैनल पे हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये देखिए फैन वगैरह एकदम बहुत ही मस्त है। जो कि रास्ता है, पहला है, एक रास्ता है इसका, है दो रास्ता, वहाँ से है तीन, वहाँ से चार, मतलब हर तरफ से है रास्ता, मगर अवेलेबल होता है। ज़्यादा लोग ज़्यादा करके आते हैं उस साइड से आते हैं, और अभी वो बंद है फ़िलहाल, और इधर से भी आ सकते हैं लोग। तो आपको DRCC जिला निबंधन का वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, दोस्तों लोगों के पास शेयर ज़रूर करें। अगर हमारे चैनल पर नए नए आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं हर जगह का अपडेट देते रहता हूँ। तो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।